ब्रह्मास्त्र हिट क्यों हो सकती है? तो भाई इसके सिंपल से रीज़न है, एक तो इसका जो बॉयकॉट की वजह से इतना तगड़ा प्रमोशन हुआ है, एक तो वो, दूसरा बॉलीवुड में कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है। हाँ, आप उसको थोड़ा सा लव स्टोरी को साइड रख दो, इसके जो VFX है और जो इसमें फाइटिंग सीक्वेंस दिखा रखा है या जो एंड का जो आवर है उसको अगर तुम देखो तो वो भाई बहुत ही अच्छा है। और जो इसमें एक्टिंग कर रखी है रणबीर कपूर, शाहरुख खान, नागार्जुन, अमिताभ बच्चन, उसकी कोई कंपेटिबिलिटी नहीं है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने एक्टिंग किया है। हाँ, थोड़ा सा हम इसकी डायरेक्टर को थोड़ा सा कह सकते हैं कि उन्होंने पिछली जो दो लव स्टोरी वाली मूवी बनाई थी उन्होंने सोचा उस टाइप की लव स्टोरी भी इस मूवी में डाल देते हैं, वो इस मूवी में थोड़ा सा सेंस नहीं बनाती है। एंड भाई इस मूवी के जो सीक्वेंस है या जो उसको VFX की तरह शूट कर रखा, भाई एक्टरों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि उसको CGI में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसा होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, उनको खुद नहीं पता होता। कि आप कहीं कहीं पर देख भी पा रहे होंगे कि मूवी में कहीं कहीं पर आपको VFX का इस तरह से लग रहा है कि VFX अच्छा है लेकिन एक्टर की एक्टिंग अच्छी नहीं है, तो भाई वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है ऐसी मूवीज़ में। अब भाई इसकी कलेक्शन की बात करते तो इसका कलेक्शन अच्छा खासा बढ़ रहा है और इसी की वजह से मैं तुमको बताता हूँ, सिनेमा डेज भी जो 17 सितंबर को बनता है हिंदी सिनेमा डे, वो भी अब एक्सटेंड करके 23 सितंबर को होगा। क्यों? क्योंकि इस मूवी की सक्सेस अभी जारी है। बॉलीवुड ने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश किया, हालांकि इसमें भी क्रिटिक्स और हेटर अलग अलग जगह बैठे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये मूवी एक अच्छी है कुछ नई शुरुआत करने के लिए। कुछ रीमेक या कॉपी पेस्ट से तो अच्छा है ही। अब देखते हैं इसके सेकेंड पार्ट का, वेट करते हैं कि इसका सेकेंड पार्ट कब रिलीज होगा। तो बस आज की वीडियो यहीं तक ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।